Hey guys, this is Shefali and welcome to another vlog. तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने आपको भीमताल और नौकुचिया ताल दिखाया था. तो अभी भी मैं भीमताल में हूँ और ये मेरे पीछे भीमताल लेक. और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप कैची धाम मंदिर का एक व्लॉग देखना चाहते हैं. तो आज इस व्लॉग में मैं कवर करूँगी घोड़ाखाल मंदिर और कैची धाम. मैं अब पहुंच गई हूँ मंदिर और मंदिर से मेरे पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर है. और जो आपको ये लेक दिख रही है, ये है भीमताल लेक और ये पीछे पूरा है भीमताल टाउन. तो गोलू देवता का मंदिर है ये और मंदिर की एंट्रेंस है यहाँ मेरे पीछे से, जिसके ठीक बगल में ये है यहाँ का सैनिक स्कूल. और ये भवाली के बहुत पास है. ये जो है उत्तराखंड का सबसे पहला सैनिक स्कूल भी है. तो इस घोड़ाखाल मंदिर के पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था जहाँ पे घोड़े पानी पीने आए करते थे, जिसके बेस पे ही इसका मंदिर का नाम घोड़ाखाल मंदिर पड़ा है. पूरे कुमाऊं में गोलू देवता को बहुत ही माना जाता है और इस मंदिर को काफ़ी सारी मूवीज़ में भी लिया गया है. और मैं आपको बता देती हूँ कि विवाह मूवी में भी आपको एक छोटी सी क्लिप देखने को मिलेगी. ये मंदिर इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इस मंदिर में आपको बहुत सारी घंटियां देखने को मिलेंगी. साथ ही में आप ये भी देख सकते हो कि कैसे लोग अपनी मनोकामनाएं इस लेटर में लिख करके भगवान से मांगते हैं और मनोकामना पूरी होने पर वहां पे घंटी चढ़ाते हैं. आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मंदिर में इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है. हमें भी लाइन में खड़े होकर के 30 मिनट तो हो गए होंगे. तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए. नो डाउट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन बैच बैच करके उन्होंने अंदर बुलाया मंदिर के और अच्छे से पूजा करवाई सबकी. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. आप लोग भी अगर इस मंदिर में आएंगे तो थोड़ा टाइम से जल्दी आ जाइएगा ताकि आपको लंबी लाइन में वेट ना करना पड़े. अब मैं आ गई हूँ कैची धाम. ये है बाबा श्री नीम करोली महाराज जी का आश्रम और यहाँ मेरे पीछे से है इसका रास्ता. तो 1962 में बाबा नीम करोली इस जगह पे आए थे. तब इस जगह को कैची गांव के नाम से जाना जाता था. तब इस गांव में इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी. आज की डेट में यहाँ पे नेशनल हाईवे और काफ़ी सारे कैफेज रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं, इवन गेस्ट हाउस भी दिख रहे हैं यहाँ पे. तो बाबा यहाँ पे जब आए थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था ये एरिया. पूरा चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट था. और जो बाबा का मंदिर है वो आज की डेट में जो वो आपको वाइट कलर का दिख रहा है वो बाबा का मंदिर है. बाबा यहाँ पे कुछ और साधुओं के साथ आए थे और वो यहाँ पे तपस्या किया करते थे. उन्होंने यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर की स्थापना करी और उनका ये कहना था कि एक दिन ये मंदिर बहुत फेमस हो जाएगा और आने वाले समय में काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आया करेगी. तो स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के बहुत बड़े भक्त थे. स्टीव जॉब्स ने ही मार्क जुकरबर्ग को बाबा से मिलने के लिए बोला था
तब उस टाइम बाबा तो नहीं रहे थे, लेकिन 2015 के इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने ये बोला है कि वो यहाँ पे आए थे और उनको यहाँ पे आकर के बहुत ही पीसफुल लगा। तो जब बाबा यहाँ आए थे ये पुल नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक कच्चा लकड़ी का पुल हुआ करता था, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी वैसे वैसे फिर इस मंदिर की भी डेवलपमेंट होती गई। तो हर साल 15 जून को बाबा का एक बहुत बड़ा भंडारा लगता है, जिसमें आसपास के सारे गांव वाले या फिर कुमाऊं रीजन के जो भी बाबा को मानते हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ से है मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अंदर फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए हमने भी नहीं बनाया। तो वैसे तो पूरे देश भर में बाबा के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इस जगह यहाँ पे बाबा का आश्रम होने की वजह से यहाँ की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। तो बाबा नीम करौली को चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वो सब कुछ पूरी होती है अगर आप एक बार सिर्फ यहाँ इस मंदिर के दर्शन के लिए आ जाओ। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे आओ तो मूंग दाल के स्पेशल पकौड़े खाना मत भूलिएगा, यहाँ के लोग कहते हैं कि वो बहुत टेस्टी होते हैं। और अब निकलते हैं हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम लोग आए हैं लंच के लिए फ्रॉग पॉइंट, और ये पिकनिक स्पॉट भी है, प्लस यहाँ पे कायकिंग, कैंपिंग ये सब भी होती है। तो मैं तो अपना खाना हम लोग लेकर आए घर से और शायद कुछ एक दो चीज़ें ऑर्डर कर लें। और आप देख सकते हो पीछे काफ़ी सारे लोग हैं, स्विमिंग कर रहे हैं इस साइड भी। तो ये जो मेरे पीछे पत्थर है ये बिल्कुल फ्रॉग की तरह दिखता है, इसलिए इस जगह का नाम है फ्रॉग पॉइंट। और ये कैंची धाम से 20 मिनट्स की दूरी पर है। जस्ट ब्रिज क्रॉस करके ही हम आ गए हैं इस रेस्टोरेंट में, और हमने ऑर्डर किया था मैगी हमेशा की तरह, और साथ में मैं कुछ लंच लेकर आई थी। तो लंच हमने कर लिया है अब, और अब धूप चली गई है तो हम लोग स्विमिंग का प्लान भी कैंसिल कर रहे हैं, अब वापस आते हुए कर लेंगे। और यहाँ पे एक डॉगी है जिसका नाम है जैक, और वो जैक है अभी उस ब्रिज में। तो कब से यहाँ के ओनर उसे बुला रहे हैं बट वो आ नहीं रहा, उसका मन नहीं कर रहा, वो टूरिस्ट के साथ इंगेज है। तो ये है मेरे पीछे शिप्रा नदी, और यहीं से पीछे का व्यू है फ्रॉग का, इसलिए ये फ्रॉग पॉइंट बहुत फेमस है, पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप जिपलाइन कर सकते हो, जिपलाइन भी है यहाँ पीछे, इसमें दिख नहीं रही है, और ब्रिज है ऊपर। तो ये क्रॉस करके अभी हम आए हैं वहाँ पीछे से, और उस रेस्टोरेंट में अभी हमने लंच किया था। पानी बहुत चिल्ड है अभी इसका, और सनलाइट भी चली गई है, तो इसलिए अब स्विमिंग का प्लान तो स्किप कर दिया है हम लोगों ने।
तो हम लोग रुके अभी खैना में, ये बोर्ड में भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है, और इसी के सामने जस्ट एक शॉप है जहाँ पे बहुत फेमस पकौड़े मिलते हैं मूंग दाल के। तो अगर आप लोग भी कभी यहाँ पे इस जगह से गुजरो या रानीखेत की तरफ जाओ या अल्मोड़े की तरफ, तो यहाँ पे रुक करके एक बार पकौड़े ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब गर्मा गर्म पकौड़े भी आ गए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है पकौड़े और चटनी भी दी है साथ में, पूरा भर के लाए हैं हम लोग। तो अब हम थोड़ा पकौड़ों को इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं अल्मोड़े की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुमाऊं के ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहे। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।